एएसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी के एक कॉलेज है, एएसआर कॉलेज, जिसके बारे में अभी पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से सिलेबस यहाँ पे पढ़ाई होती है, फी क्या रहने वाली है, प्लेसमेंट आपका क्या रहेगी, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो पूरा आप देखिए वीडियोज को। एएसआरजीआई इसको नाम से पॉपुलर है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका पूरा नाम बताया था एएसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि आपको बता दें कि लखनऊ में पड़ता है, जो कि AKTU ये यूनिवर्सिटीज है, इससे यह अफिलेटेड है। आपका सर्टिफिकेट जो मिलेगा वह AKTU का ही मिलेगा। और इसमें जो कोर्स है, पॉपुलर कोर्सेज पढ़ाई होते हैं, BTech होते हैं, MTech होते हैं, MBA होते हैं, IMBA होते हैं, आदि, यह देखो बैचलर वोकेशनल्स होते हैं, नर्सिंग्स होते हैं, फार्मा होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो पॉपुलर कोर्सेज हैं यह पढ़ाई होती है। अब आगे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसके बाद इसमें क्या क्या फैसिलिटी और कोर्सेज में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो कि CEO फाउंडर उन्डर का दिया हुआ है। और कैंपस देखें ना, तो एएसआर ग्रुप का कैंपस काफ़ी बेहतर, परफेक्ट, मस्त है। एएसआर ग्रुप का कैंपस बहुत ही अच्छा है, उसको हम आपको बता देंगे। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो ये कॉलेज है, तो कॉलेज में जो प्लेसमेंट का रेशियो है ना, बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे है, जैसे टाटा हो गया, ओयो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसमें बहुत बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे सैमसंग का भी आया हुआ है प्लेसमेंट्स के लिए, HDFC बैंक भी है, जस्ट डायल है, HCL है, ये सब बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज है जो कि इसमें प्लेसमेंट के लिए आए हुए हैं। एक एवरेज आप देख सकते हैं, एवरेज जो इसमें प्लेसमेंट लगती है वो 4.6 लाख्स की होती है, जो एनुअल पैकेज होते हैं। और बाकी सब ये डिटेल्स है, अगर आपको चाहिए तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आगे चल दिए बढ़ते हैं। यहाँ पे कोर्स के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। हम यहाँ पे गए हुए थे बीटेक की इंक्वायरी के लिए, तो बीटेक के में यहाँ पे देखिए कोर्स और कैंपस है, तो यहाँ पे देखिए बीटेक में भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाई होते हैं। कंप्यूटर साइंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ाई होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। उसके बाद यहाँ आप देखते हैं MTech में अगर बात करें तो मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या MTech में भी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा SR MBBS है, यानी कि MBA में, यानी कि मास्टर डिग्री में, यहाँ पे करें MBA हो गया, IMBA हो गया, और वोकेशनल्स में यहाँ पे देखिए बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, ये सब यहाँ पे वोकेशनल्स में ये सब दे दिया। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए फार्मा का हो गया, फिर और भी नर्सिंग वर्सिंग इसमें कोर्सेज है। तो डिपेंड करें कि आप यहाँ पे कौन सी कोर्सेज के अधिक करते हैं। बात करें फ़ी की, तो फ़ी भी आपको हम अभी आपको बता देंगे। देखिएगा इसमें कहीं भी फ़ी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें भी कहीं भी फ़ी इसमें इंक्लूड नहीं किया हो रहा है। और इसमें बात करें फी की, तो देखिए BTech अगर करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपये आपका पर ईयर आपको लग जाएगा, ठीक है। और इसमें विजिट्स का देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े, देखिए मुन्ना भी है विजिट किए हुए हैं, अनुपम खेर है, और उसके बाद कपिल शर्मा भी एएसआर ग्रुप में यहाँ आए हुए हैं, है ना, चीफ गेस्ट, ऐसे बहुत से यहाँ पे एक्टर्स आए हुए हैं बड़े बड़े, है ना। तो ये सब बहुत ही अच्छे कॉलेज है, आप चाहे तो जाकर एडमिशन से ले सकते हैं। और यहाँ पे फ़ी की बात करें तो सबका फ़ी अलग अलग है, और बीटेक की एवरेज जो फ़ी है वहाँ यहाँ पे एएसआर ग्रुप में, तो एवरेज फ़ी इसमें आपको लगेगा जो है कि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया पर ईयर, इसलिए पर ईयर है, यानी 4 साल का होता है, तो 4 लाख रुपया एवरेज मान सकते हैं, फिक्स नहीं है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है। एक एवरेज हम आपको बता दें कि 1 लाख रुपया आपको पर ईयर यहाँ पे लगेगा, बाकी रहना खाना हॉस्टल सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप जाकर करके ले सकते हैं।